मूल्य मिले और उसका भंडारण हो, इस सारे विषयों पर व्यवस्था की गई। और जिस तरह से कम लागत के लिए हमारे जो सोलर की व्यवस्था, किसानों को सोलर मिलेंगे और सोलर के आधार से वो खेती करेंगे, दूसरा भंडारण की व्यवस्था होगी, हर गांव के अंदर वेयर हाउस बनेंगे और उसी वेयर हाउस के अंदर किसानों को अपना उत्पादन रखेंगे, वहीं पर ईनाम की व्यवस्था होगी, वहीं पर उसके उसका एटीएम की व्यवस्था होगी, वहीं पर वो अपना बेच सकेगा। इस तरह के गांवों के अंदर ही इसकी भंडारण की व्यवस्था भी होगी, पीपीपी मोड के ऊपर भी किसानों के लिए वेयर हाउस बनाए जाएंगे, जिससे कि किसानों को अपना उत्पादन है या सरकार का भी वो एक जगह रख सकेंगे तो उसका सुरक्षित अनाज भी रहेगा। और साथ ही किसानों के लिए किसान रेल प्रारंभ की जाएगी, जो एक पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि किसान रेल उसका नाम दिया, जिसके अंदर कृषि किसान अपना जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को, अपनी फसल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो समस्या आ रही थी तो उसका समाधान करने के लिए ऐसे उस रेल के अंदर डिब्बे बनाए जाएंगे जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था होगी, ताकि किसान का उत्पादन जैसा वो ले जा रहा है वैसा का वैसा सुरक्षित वो अपने गंतव्य स्थान पर ले जाएगा, तो किसान को इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर किसान के लिए जैसा कि किसान की लागत कम हो, उचित उसको उन्नत किस्म का बीज मिले।